हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर ना, ये है प्रियस पॉल टप्पो। तो इसका बड़ा भाई आज परम प्रसाद ले रहा है। तो हम लोग आज चर्च जा रहे हैं गुमला में, वो है टुकुटोली पारिस, संत निकोलस पोलेती। चले रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और मिलते हैं हम लोग चर्च। विश्वास करना पड़ेगा। अब आप बोलिएगा जी हाँ हम विश्वास करते हैं। बोलिएगा क्या आप लोग स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ हम। क्या आप लोग पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर भी विश्वास करते हैं? जी हाँ हम विश्वास। अब यीशु ख्रीस्त पर जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र हैं, प्रभु हैं, जिनका ग्रहण करने वाले हैं आज, उन जो क्रूस पर मरे, दफनाए गए, जी उठे, पिता के देह में विराजमान हैं, उन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ हम। प्यारे बच्चों, ये हमारा विश्वास है कि हमारा कर्तव्य था कल्याण है कि हम सदा स्वतंत्र विशेष करके स्वच्छता के अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान कर।
जब ख्रीस्त हमारे पास का काम मेमना बलि चढ़ा ले गए, क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट की करने के साथ पतित विश्व का निर्माण हुआ है, जिसमें हम जीवन की परिपूर्णता हमें प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर हो करके हर देश और जाति जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होती और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का विखान बखान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। सबसे पहले तो समारोह को रंगारंग बनाने के लिए, भक्तिमय लाने के लिए कोयर दल का बहुत हाथ, बड़ा हाथ है। मैं सोच रहा था कि उर्मी वालों को मैं उन्हें पहले ही कहा गया था। मैं उसे डर लग रहा था कि खजूर रविवार पुण्या सप्ताह पास का जागरण रविवार तक उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कोयर पार्टी पत्नी के कोयर दल बहुत अच्छी तरह से गाना संचालन किया। उन्हीं में से उर्मी के भाई बहने भी थे। मुझे डर लग रहा था कि आवाज बंद ना हो जाए, गला बंद ना हो जाए, और ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम है कैसे संपन्न होगा, ये मैं सोच रहा था। लेकिन वैसी बात नहीं, बहुत अच्छी तरह से हमारे उर्मी के भाई बहनों ने परवेश नाच के द्वारा आज के मिस्सा पूजा बलिदान को शुरुआत की। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजेदार लग रहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ा अभिषेक हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके गानों के द्वारा हम लोगों को भक्ति में लाया है। सारे हृदय से मैं सबों को आज आए हैं, चेहरे आए हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप में हमारे बच्चे बेटी बेटियाँ का यहाँ पर सफल संचलन हुआ है। मैं उनको सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पंडित जो ताली बजा देंगे, थोड़ा सा नहीं तो पूरा कर रहे हैं। इसलिए ये संस्कार आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आज आप इस संस्कार को लेने के लिए इतने ज्यादा तैयारी किए, आप माता पिता भी आपको सहायता किए, यहाँ पर जितने प्रशिक्षक हैं आपको मदद किए, उस रहस्यमय घटना को याद करने के लिए, प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर को लहू को ग्रहण करने के लिए कितने तैयारियां किए, इतने सुंदर लग रहे हैं आज सफेद पहन करके। मैंने पूछा इन्हीं में से बच्चा को कि तुम लोग की शादी तो 16 तारीख को होगी, उन्होंने आए, उन्होंने कहा आए शादी की, जैसी बात मैंने कहा आए, कहा तो क्या हुआ, वो उसने कहा कि जब मैं बड़ा हूंगा तब शादी होगा, नहीं तुम्हारा तो शादी होने वाला है 16 तारीख को, लड़कियां 18 है, लड़के 12, उन्हीं में से शादी होगी। तो एक ने कहा हमारे लिए तो जोड़ा है ही नहीं, कैसे होगा, उन्होंने कहा तो हो सकता है आजकल का जमाना में तो दो शादी मैंने की, एक यूपी एक बंगाली, एक को रखता मायके में एक को रखता ससुराल में, होता है कि नहीं होता है, इसे मैंने कहा तो बहुत खुश हुए, हाँ चलेगा, उन्होंने कहा। तब एक लड़की बच्ची को मैंने पूछा कि किसको पसंद करते हो, इन 12 में से किसको पसंद करते हो, तो उन्होंने कहा मैं किसी को पसंद नहीं करती, तो किसको पसंद करते हो, किसके साथ शादी होगी, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा कि मैं यीशु ख्रीस्त से शादी करना चाहती हूँ। तो उसी को मैं लड़कों को कहा कि देखो कितने सुंदर उन्होंने यीशु ख्रीस्त से शादी करने के लिए तैयारी की, और तुम लोग किसके साथ शादी करो, तो उन्होंने कहा मरियम से शादी करेंगे। तो मैंने कहा
मरियम से कहे कहे तू तो यीशु की माता है। वो लोग तो मैं इनको बताया कि तुम लोग भी यीशु मसीह के साथ में शादी करोगे। पहली बार तुम्हारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, आएंगे। और इसको तुमने कई बार देखा होगा, अपने माँ बाप को लेते हुए छोटे समय में देखा होगा, और माता पिता भी जानते हैं अच्छी तरह से। जब कभी कोई माता है अपने बच्चों को साथ लेकर के परम वर्षा लेने के लिए जाती है तो बच्चा देखता है अपनी माँ को लेते हुए देखता है और बोलता है कि मोरोले बोलता है, मेरे लिए भी बोलता है कि नहीं बोलता है। माताएं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बच्चे छोटे बच्चे बोलते हैं, ये हकीकत है। तो शायद ये बच्चे भी अपने जब वे बचपन में थे उन्होंने अपनी माँ की गोद में रख करके देखा होगा, सुना होगा, लेते हुए देखा होगा, जरूर उन्होंने कहा होगा कि मेरे लिए भी मांग लीजिए। तब उसने कहा होगा कि नहीं, इसको नहीं लेते हैं, जब तुम बड़े होगे तब लोगे। अब उनका सपना था कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का, और आज वो सपना पूरा हुआ। आज वे स्वयं अपने हाथों से प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में उन्होंने ग्रहण किया। वे सोचा करते थे कि आखिर छोटा सा रोटी परम प्रसाद कितना सुंदर लगता होगा, कैसा लगता होगा, इतने छोटी रोटी से कैसे पेट भरता होगा। जरूर कहा होगा, एक बच्चा जरूर अनुभव करता है अपने जीवन में, हम सभी को भी अनुभव किया होगा निश्चित रूप से, ये बच्चे भी ऐसा है। लेकिन ये इसमें कोई मिठास नहीं है, इसमें कोई चीनी लगाया हुआ नहीं है, इसमें सिर्फ बलि परिवर्तन के समय में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय को सुंदर बनाते हैं, जैसे फादर ने कहा परिवर्तन करते हैं। आज तुम लोग एक साधारण व्यक्ति नहीं बन गए हो, आज तुम लोग एक सच्चा क्रिश्चियनता को तुम लोग अपनाए हो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके। इसलिए जब तुम सच्चा क्रिश्चियनता को तुम प्राप्त करने के लिए इतने तैयारियां की, तुम इतने सुंदर कपड़े पहना, इतने सुंदर लग रहे हैं, कल परसों के बाद में ये कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये निश्चित है। और माता पिता भी इस कपड़े को गंदा करने में मदद देंगे, मुझे पता है। लेकिन इसलिए याद करेंगे कि हर संडे क्लास में आपको उपस्थित रह करके अपने को नवनीकरण करना है, नवनीकरण करना है, क्योंकि हम कमजोर हैं, सब चीज को नहीं जानते हैं। इसलिए जब आप संडे क्लास आएंगे, जब शुरू हो गया है आपके लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए याद करेंगे, आप गिरजा आना बंद नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, आप बोढ़िया नहीं होंगे। आपने वादा किया है कि हम लोग हर संडे को गिर जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम लोग ग्रहण करें, आपने वादा किया है, और इस वादा को जरूर आप निभाएंगे, और माता पिता भी जरूर उनकी मदद करेंगे। आप लोग प्रेरित करेंगे बच्चों को एक अच्छा संस्कार युक्त बेटे बेटियां बनाने के लिए। आपके यहाँ आपका हाथ है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए बच्चे कोढ़िया नहीं करेंगे, आप लोग तीन संस्कार दे चुके हैं, आप धीरे धीरे आप विश्वास में और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, परिपक्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप अपने विश्वास को कम मत कीजिए, लेकिन आप हमेशा उस और ज्यादा विश्वास को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के साथ में हमेशा जुड़े रहिए। अगर आप यीशु मसीह से थोड़ा सा भी दरकिनार होंगे, थोड़ा सा भी दूर चले जाएंगे, आपको बहुत तकलीफें होंगी, कठिनाइयां होंगी, पढ़ने लिखने में बाधाएं आएंगी। इसलिए मैं इतना ही कह करके आप लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, खुश नया जीवन करता हूँ कि आप हमेशा जीवन में खुश रहिए, ईश्वर के प्रेम में दिनों दिन आगे बढ़ते जाइए। अभी जैसे मिसा खत्म हो जाती है, आप अपने बच्चों को हर वाला बहना करके एक ग्रुप फोटो हम लोग यहाँ पर लेंगे, उसके बाद में आप व्यक्तिगत रूप से आप फोटो ले सकते। धन्यवाद। खुश रहो। आज हमारे उजला रविवार में हुई है, प्रवेशु कृष्ण पुनर्जीवित होकर के इनके सभी परिवारों को इनके विशेष इस महात्यौहार और क्रिस के मिलन त्योहार में आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हमारे परम प्रसाद लेने की भक्ति के द्वारा हमारे पल्ले में विशेष रूप से एक नयापन आवे, हम सब मिलकर के अपने परिवार को अपने पल्ली को एक नया जीवन प्रदान करें। आमीन। हमारे विशेष सबसे हमारे माँ बाप भाई बहन जो दूर से संबंधी के रूप में आए हुए हैं, हम सब उनको आशीर्वाद से भर दें, हमको हर बात में हर शिक्षा में और कि खास करके जो हमारे पुनर्जीवित होकर के
परीक्षा में अपने परीक्षा लिखने में अपनी मदद करें और यीशु ख्रीस्त की कृपा के द्वारा हमारे परिवारों में सफलता प्रदान करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के इधर मुकर बच्चों चल शक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र आप आत्मा में आशीर्वाद प्रदान करें। अभी इसका कूलर दिया जा रहा है, इसमें आशीष देते हैं, उसके बाद में हम उनको वितरण करेंगे। जुम करिए आप तो है माला मंडी पिन्हाए सर पर।